हेलो कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मौसम बहुत ही ख़राब है सुबह से जो है पानी गिर रहा है धूप नहीं निकला है और गर्मी भी है या फिर मैं किचन में हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है देख सकते हो मुझे पसीना आ चुका है तो आज मैं लंच बना रही हूँ वो क्या है सहजन के पत्तों की दाल और साथ में कटहल की सब्ज़ी और चावल तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज का खाना बहुत ही अच्छा बनने वाला है और आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तो कटहल की सब्ज़ी मैं आपको पास से बना के दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ से ना वहाँ तक पूरा दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैं कैमरे को पास ले जाऊँगी और दिखाऊँगी कि मैं कटहल कैसे बनाती हूँ ये देखिए किचन में काफ़ी अंधेरा है मौसम ख़राब होने की वजह से किचन में अच्छा से नहीं दिखता है तो यहाँ मैं दाल चढ़ाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम उसमें दाल के लिए जो है पानी डाल देते हैं तो पानी हम डेढ़ डेढ़ जग के इतना डालेंगे एक जग और आधा जग तो ये जो है डेगची है छोटा सा डेगची ये बच्चों के लिए लेते हैं हम लोग जब आते हैं ना बाहर मतलब आते हैं डेगची वाले बेचने के लिए तो बच्चे जो है लेने की जिद करते हैं खेलने के लिए तो हमने उसे ले कर दिया था फिर बाद में वो लोग नहीं खेलते हैं तो फिर हम ही लोग जो है किचन में यूज करते हैं तो दाल को हम अच्छे से धो लेते हैं और अब हम इसमें दाल को डाल देंगे तो ये देखिए आज हम सहजन के पत्तों की दाल बनाएंगे तो आप लोगों ने शायद नहीं खाई होगी तो एक बार ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है तो दाल मैंने डाल दी है और यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और दाल को हम ऐसे ही बस थोड़ी देर पकने देंगे तो ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मेरे पास कुकर नहीं है तो मैं ऐसे ही जो है कढ़ाई में ही पका लेती हूँ तो यहाँ पे मैंने चावल के लिए डेगची चढ़ा दी है पानी गर्म होने के लिए और चावल मैं हमेशा बाहर ही बनाती हूँ लेकिन मौसम ख़राब है पानी गिर रहा है सुबह से तो बाहर नहीं बना सकती हूँ तो इस वजह से मैंने गैस पर ही चढ़ा दिया है और ये कटहल है आज मैं इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ तो ये देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो है मुँह पर गोंद दूध है दूध होता है लेकिन उसका इतना ज़्यादा गोंद जैसा निकलता है ना जहाँ रखो वहीं चिपकने लगता है तो इसलिए मैंने उसे काटने के लिए सरसों का तेल लिया है ताकि उसका गोंद जो है चिपके नहीं और ये अच्छे से कट जाए तो ये देखिए आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है और अभी हम इसको दो टुकड़ों में काट लिए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो मेरा मोबाइल जो है हिल रहा था तो मैं उसे ठीक करने के लिए चली गई थी और मैं फिर से जो है कटहल को काट रही हूँ तो ये देखिए हम इसको छोटे छोटे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेते हैं और फिर हम इसका पिछला वाला हिस्सा जो होता है उसको अच्छे से पहले निकाल लेंगे और फिर हम इसका बीच वाला हिस्सा भी निकालते हैं क्योंकि बीच वाला हिस्सा ना बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है और उसको जितना भी पकाओ वो पकता नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ख़राब कसेला जैसा होता है तो इस वजह से हम उसको नहीं डालते हैं कटहल चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन हम लोग जो है बीच वाला हिस्सा कभी नहीं डालते हैं वो एकदम अच्छा नहीं लगता है तो ये कटहल तो थोड़ा ठीक ठाक साइज़ का था और इसका हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट लेते हैं और ये देखिए टुकड़ा आप जिस हिसाब से कीजिएगा आपको जैसा पसंद हो बड़ा छोटा मीडियम साइज़ का तो मैं इसे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा क्योंकि जब हम इसे उबालते हैं ना तो ये जल्दी से उबले अगर हम इससे बड़ा रखेंगे तो ये उबलने में भी बहुत ज़्यादा समय लेता है और इसी तरीके से देखिए हम सारे कटहल को काट लेंगे और बीच बीच में हम सरसों का तेल हाथ पर और हमारे काटने का जो औजार है उसमें भी लगाते रहेंगे नहीं तो फिर इसका गोंद चिपकने लगता है और ज़मीन पर हमने कुछ रखा भी नहीं है मैं भूल गई थी और वहाँ पे भी जो है जहाँ भी इसका जो भी हिस्सा गिरता है चिपक जाता है और एकदम जाता ही नहीं है बहुत ही घिसने पर या फिर उसे डिटर्जेंट या सरप दे करके साफ करते हैं फिर जो है निकल जाता है तो इसी तरह से हमने जो है सारे कटहल को काट लिया है और ये देखिए और ये हमारी जो बेटिन है ना ये बहुत ही धार वाली है क्योंकि चाकू से तो हमसे कटते नहीं बनता है क्योंकि मैं नहीं काट सकती चाकू से कटहल को कटहल बहुत ज़्यादा सख्त होता है पता नहीं लोग कैसे काट लेते हैं मैं नहीं काट काटती भी नहीं हूँ और मुझसे होता भी नहीं है तो अभी हम सरसों का तेल अपने हाथों पे लगा के सारे गोंद निकाल लेती हूँ और फिर इस बैंडीन को भी अच्छे से तेल लगा के फिर हम एक कपड़ा लेके इसे पोछ के साफ कर देते हैं नहीं तो उसका गोंद रह जाता है तो फिर जाता ही नहीं है सूखने के बाद और अभी हम यहाँ पर झाड़ू लगा के इस सबको उठा लेते हैं और हम इसी सूप्ती पर उठा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कटहल के गोंद लगे हुए हैं तो इसे तो हमें साफ़ करना ही पड़ेगा इसलिए मैंने सारे कचरे भी इसी में उठा लिए हैं और ये देखिए ये सहजन के पत्ते हैं और ये पत्ते नए नए आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे हैं इसमें अभी कुछ भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा है क्योंकि जब सहजन फलते हैं ना उस वक्त पत्ते झड़ जाते हैं तो उसके बाद नए पत्ते उगते हैं तो ये नए पत्ते हैं और ये बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते आए हैं और हम इसका जो है साग भी बना करके खाते हैं और नहीं तो दाल में डाल के तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वैसे तो आप लोगों ने लौकी की दाल बहुत खाई होगी या फिर बहुत सारे चीज़ों की दाल बनती है लेकिन इस तरह सहजन के पत्तों की दाल आपने नहीं खाई होगी तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग एक बार बना के ज़रूर खाइए और ये देखिए सामने से मेरी दादी सास है ना वो क्या क्या बोल रही है पता नहीं वो किसी और से बात कर रही है लेकिन आवाज़ जो है इधर आ रहे हैं तो अभी हम सजन के पत्तों को थोड़ा सा काट लेते हैं इसे नहीं भी काटेंगे तो चलेगा ये दाल में एकदम से गल जाते हैं लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा काट लेते हैं अच्छा लगता है एकदम मतलब पूरा पूरा पत्ता डालना अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसे थोड़ा सा काट लिया है और ज़्यादा नहीं काटना है थोड़ा सा ही बस और इसको मैंने पहले ही एक बार धो लिया है और अब हम जब हम उसमें डालेंगे तो फिर से एक बार धो लेंगे तो ये देखिए इसमें हम ले लेते हैं और अब हम इसमें पानी डाल के इसे धो के और दाल में डाल देंगे और दाल एकदम पक जाए उस वक्त डालना है क्योंकि साग जो है तुरंत ही गल जाता है तो ये देखिए सजन के पत्तों में ना पानी भी नहीं रहती है एकदम से एकदम मतलब हाथ में जैसे ही उसे निचोड़ोगे ना तो वो तुरंत ही निकल जाता है और इस तरीके से हम थोड़ा सा चला देंगे और थोड़ी देर के बाद ही वो गल जा गल जाते हैं तो इधर मैंने चावल को भी धो लिया है और मैं यहाँ से एक बार धो के ले जाती हूँ फिर बाहर हमारा चापाकल है वहाँ से मैं एक बार फिर से धो के ले के आती हूँ तो पानी हमारा गरम हो चुका है तो अभी हम उसमें चावल डाल देते हैं ये देखिए और हम अच्छे से जो है सारे चावल को डाल के फिर से हम उसे ढक देते हैं क्योंकि गैस पर इतना सारा चावल बहुत टाइम लगता है बनने में इसलिए हम नहीं बनाते हैं तो इधर जो है कटहल को मैंने एक बार धो लिया है और उसे उबालने के बाद फिर से एक बार धोना है क्योंकि धोना ही पड़ता है इसका वो गोंद भी गोंद होता है ना वो उबलने के बाद भी जो है जिस बर्तन में रखो उसमें लगता है उस जैसा लेकिन गोंद रहता नहीं है लेकिन लगता है तो इधर जो है दाल मेरी पक चुकी है तो दाल को मैं छोंक लगा लेती हूँ और दाल को हमेशा मैं उसी कढ़ाई में छोंक लगाती हूँ जिसमें मैं दाल को पकाती हूँ क्योंकि जब हम किसी कल्ची से ऊपर से जब हम इसे छौंक लगाते हैं ना तो ये उतनी ज़्यादा टेस्टी या गाढ़ा नहीं बनता है तो अगर हम उसी कढ़ाई में डाल मतलब छोंक लगा के फिर से दाल को डाल देंगे तो उसमें ना दाल गाढ़ा हो जाता है तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और थोड़ा सा पाँच फरंग डाला है और ये मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च काट के रखा है और थोड़ा सा लहसुन है और कुछ भी नहीं डालूंगी सिंपल सा छोंक लगाना है क्योंकि बच्चे ना नहीं खा पाते हैं ज़्यादा कुछ डालते हैं तो मेरे बच्चों को जो है वो लोग नहीं खाते हैं टमाटर वगैरह कभी कभी डाल देती हूँ लेकिन बच्चे फिर खाते नहीं हैं बाद में पता नहीं कि लोग को अच्छा नहीं लगता है तो ये देखिए यहाँ पे मैं दाल को जो है डाल देती हूँ और उधर मेरा बाबू खेल रहा है और इसको थोड़ा सा चला के फिर जो है हम इसको इस बर्तन में निकाल लेंगे ये देखिए अभी हम उसी कढ़ाई को वापस से चढ़ा दिए हैं और अभी हम साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे उबालना है उबालने के बाद फिर हम कढ़ाई भी साफ़ करेंगे और कटहल को भी धो लेंगे तो इस वजह से मैं उसे साफ नहीं कर रही हूँ उसमें मैंने एक लोटा पानी डाला है और पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है क्योंकि कटहल को बहुत अच्छे से उबालना होता है तो फिर मैंने कटहल को डाल के उसे उबलने के लिए रख दिया है और इधर जो है ये देखिए दाल कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है और चावल जो है अभी नहीं हुआ है लेकिन मैं एक बार बीच बीच में उसे चेक करती रहती हूँ ताकि जो वो गीला ना हो क्योंकि हमारे घर में कोई भी गीला चावल नहीं खाता है तो ये देखिए चावल मेरा बन के रेडी है और इधर कटहल भी एकदम पक चुका है तभी हम इसको एक प्लेट पे निकाल के अच्छे से साफ करके फिर से कढ़ाई को मैंने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है और उस पर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और मेरा तेल गर्म हो गया है तो मैंने उसमें प्याज डाल के उसे अच्छी तरह से भून रही हूँ और प्याज को हमें तब तक भूनना होता है जब तक कि इसका कलर एकदम ब्राउन कलर का ना हो जाए और मैंने वैसे तो प्याज टमाटर को हम उसका पेस्ट बना कर भी डालते हैं लेकिन आज पानी गिर रहा था ना तो मेरा जो है सिलबट्टा बाहर है तो इस वजह से मैंने ऐसे ही डाल दिया है नहीं तो मैं भी कभी कभी, कभी पीस कर डालती हूँ मेरे पास मिक्सर नहीं है तो हमें जो है जो भी करना होता है सिलबट्टे से ही करते हैं तो यहाँ पे मैंने पेस्ट मसाला डाला है और पेस्ट मसालों में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा और काली मिर्च इन सबको मिला करके मैंने एक पेस्ट तैयार किया है और साथ में मैंने टमाटर को भी डाल के इसे भी थोड़ा सा भून लेती हूँ और ये देखिए थोड़ा सा भून चुका है तो अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं हल्दी पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इस बार जो हमारी हल्दी आई है ना वो उतना परफेक्ट नहीं है मतलब उसमें थोड़ा सा डालो ना तो कलर ही नहीं आता है इस वजह से हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं और इस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से सेट किया है पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है मसालों को सेट करने के लिए थोड़ा सा डाला है और फिर बाद में हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो ये देखिए टमाटर हमारा गल चुका है और अभी हम इसमें थोड़ा तो सा और पानी डालेंगे और बस इसको मिला मिला देंगे और इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे तो ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है और अभी हम इसमें कटहल को डाल देंगे तो देख रहे हैं कटहल को मैंने ठंडे पानी से धोया था तो वो एकदम खिले खिले से हैं एक दूसरे से चिपके नहीं हैं तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि मसाला जो है कटहल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए तो ढक के मैं लगभग पाँच से दस मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ और फिर आप देख सकते हैं कटहल हमारा बन के एकदम रेडी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कैसा लगा आप लोगों को मेरी कटहल की सब्ज़ी और आज का हमारा लंच तो बताइएगा तो ये था हमारा लंच तो आज का लंच हमारा रेडी हो चुका है तो आज का वीडियो यहीं तक था और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तो तब तक के लिए मैं वीडियो का करती हूँ एंड तो चलिए फिर बाय घर पर रहिए सुरक्षित रहिए